आपका नाम? मेरा नाम पुलक जैन है। अच्छा पुलक, ये बताओ कि अक्सर कहा जाता है स्मार्टफोन और यूट्यूब ज़्यादा बच्चों को बिगाड़ देते हैं, लेकिन इसने आपका भविष्य कैसे संवार दिया, क्या किया है आपने? मतलब मेरे पेरेंट्स ने मेरे को हमेशा मोटिवेट रखा है कि अपने ड्रीम की तरफ फोकस्ड रहो, और मैं वो मतलब मोटिवेट करते रहे, इसलिए मैं रील्स वगैरह से यूट्यूब वगैरह से नहीं भटका और अपने लक्ष्य को पाने में सफल रहा। क्या लक्ष्य प्राप्त किया आपने? मेरी नीट यूजी 2023 में AIR 970 आई है और मेरे मार्क्स है 686 आउट ऑफ 720। हाँ जी, क्या सपना है? मेरे को कार्डियोलॉजिस्ट बनना है आगे जा के। आजकल हार्ट की बहुत नई नई बीमारी आ रही है और सोसाइटी में काफ़ी हार्ट अटैक्स बढ़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों में देख 20-20 ईयर्स के बच्चों में देखने को मिल रहे हैं हार्ट अटैक्स, तो मुझे वो उसके बारे में स्टडी करनी है, उसमें डिस्कवरी करनी है, इससे हार्ट अटैक्स ना आए, ऐसी मेडिसिन ना आनी है। तो कब तक ये आपका सपना पूरा हो जाएगा? जब तक भी हो जाए, मतलब मैं करके रहूँगा। और क्या इसके लिए श्रेय किसे देना चाहेंगे अपनी सक्सेस का? मैं अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को, अपने भाई को, भाई बहनों को, उन सबको सक्सेस का श्रेय देना चाहूँगा। तो कभी मन भटका नहीं यूट्यूब देखते देखते? भटका है, लेकिन फिर वापस सब वो अपना आप ही अंदर से आवाज़ आई है कि क्या कर रहा हूँ मैं ये। कितने घंटे पढ़ाई करते थे डेली? 10 से 12 घंटे में पढ़ता था। गिरीश जैन। गिरीश जी, बताइए कि आपके बेटे ने क्या सफलता हासिल करी और कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? मेरे बेटे ने नीट की परीक्षा को उत्तीर्ण किया है और उसकी रैंक 970 रैंक है और उसके मार्क्स जो हैं 686 हैं, और मेरे को बड़ा गर्व हो रहा है कि मेरे बेटे ने आज कुछ किया है। कितना मेरे को बड़ा, उसके लिए उसने बहुत संघर्ष किया है और हम सब ने भी बहुत संघर्ष किया, लेकिन बेटे ने जो संघर्ष किया उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। उसने को 4 साल तक सोया नहीं मेरा बेटा, 3 बजे सोता था वो और 8 बजे फिर सो के उठता था 4 साल से। ये बिना कोचिंग के किया है उसने, अपनी सेल्फ स्टडी से किया है ये, बस वो सब ये यूट्यूब से देखता था सारे और फिजिक्स वाले सर। उसका बचपन का सपना था? हाँ, ये बचपन का सपना था उसका। आप क्या चाहते थे? मैं भी यही चाहता था कि वो एक अच्छा डॉक्टर बने और मैं उसको गवर्नमेंट डॉक्टर ही बनाना चाहता था।